Hello everyone. So I'm back with lecture number 3 for revision of SBEC. और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया. तो वन ऑफ द टिपिकल चैप्टर है, थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी है वहां पर. तो वहीं से आज स्टार्ट करते हैं, उसी चैप्टर को ट्राई करते हैं आज कंक्लूड करने का. तो ये रहा चैप्टर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इश्यूज रिलेटिंग थेरेटू. तो आप समझ लो इस चैप्टर को हम इस तरीके से समझें. एक्चुअली एक इंडिया का पर्सन है या इंडियन एंटिटी है, वट एवर द केस, इट मे बी अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, इट मे बी रेसिडेंट नॉन इंडिविजुअल, या इंडिया का कोई बंदा है जो कंपनी LLP फॉर्म कुछ भी हो सकती है, एक और एक इंडिविजुअल भी हो सकता है. वो इंडिया के बाहर बिजनेस सेटअप करना चाहता है. वो जनरली दो तरह से होता है, या तो वहां की किसी पार्टी के साथ आपका जॉइंट वेंचर, या वहां आप बता रहे हो एक कंपनी जिसमें अनवॉश्ड होल्डिंग आपकी रहेगी, तो वो होता है कि आपकी सब्सिडरी. तो उसे कहते हैं या तो जॉइंट वेंचर या होली ऑन सब्सिडरी. तो दोनों हम बहुत आते हैं, JV/WOS, जॉइंट वेंचर या होली ऑन सब्सिडरी. तो हमें अब यही डिस्कस करना है कि कैसे चलते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट दो पेजेस तो बहुत बेसिक सॉरी बताया हुआ है क्या है, थ्योरी है, और फिर ये बताया हुआ है कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जॉइंट वेंचर के जो इंडियन एंटिटीज ने फॉरेन के लोगों के साथ किए या होली ऑन सब्सिडरीज हैं. हम अभी वहाँ नहीं जाना चाहते. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कौन कौन से रूल्स इस चीज को रेगुलेट करते हैं. तो सबसे पहला तो हमें देखना पड़ेगा जो रेगुलेटर है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, और फिर दूसरे में हम बात करेंगे फेमा. ठीक है, आरबीआई ने क्या किया, लेटेस्ट चेंज जो है वो ये, जो मैंने अमेंडमेंट लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए SBEC की वहां भी पढ़ाया, ये वही अमेंडमेंट है और ये वही इंसर्शन है. मास्टर डायरेक्शन, किसी भी तरीके की सब कुछ चीजें विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया इन फॉर्म ऑफ JV और WOS वहां कवर की गई है. ठीक है, तो वो एक तो मास्टर डायरेक्शन हमने भी पढ़ा था, आज भी ट्राई करेंगे उसे रिपीट करने के लिए, और दूसरा फेमा की गाइडलाइन, फेमा पूरा रूल्स और फेमा के प्रोविजंस और उसके रेगुलेशंस, रूल्स एक्सेट्रा. अब हमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो ये है, फेमा के अकॉर्डिंग रेगुलेशन आया, नोटिफिकेशन इशू हुआ July 2004 में, और July 2004 का नोटिफिकेशन कहता था इंडियन रेसिडेंट दो तरह से चीजें, दो चीजों की उन्होंने बात कही. पहला, इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन एंटिटीज इन ओवरसीज जॉइंट वेंचर या होली ऑन सब्सिडरी एज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडियन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इशूड आउटसाइड इंडिया. तो इसे तो हमने कहा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट. तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इसको कहेंगे JV/WOS या शेयर्स और सिक्योरिटीज इंडिया के बाहर की खरीदना. फिर उन्होंने कहा ये दो रूट से हो सकता है, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट. दोनों रूट नाम से ही क्लियर होते हैं, ऑटोमेटिक रूट जहां केवल इंटीमेट करना है, पूछना नहीं है, अप्रूवल रूट जहां आपको पहले परमिशन देनी पड़ेगी. सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सबसे पहला रूट जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं, दैट इज ऑटोमेटिक रूट, राइट. सबसे पहला कौन सी एंटिटीज एलिजिबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सी एंटिटीज एलिजिबल है. पॉइंट नंबर 1, कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है. पॉइंट नंबर 2, LLP. पॉइंट नंबर 3, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म. ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, नॉट एवरी पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म. फोर्थ कैटेगरी तो आप जानते ही हो, विच इज नोटिफाइड बाय रिजर्व बैंक, तो वो उनके पास एक ओपन पोजीशन है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. दो चीजों में दो तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, दो तो जनरल प्रोहिबिशन. इंडियन पार्टी जो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर रही है वो फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करेगी, JV/WOS. वो फॉरेन एंटिटी ये पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए. कौन सी फॉरेन एंटिटी इंगेज्ड इन, कहा रियल एस्टेट, मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट या ट्रेडिंग इन TDR. आप जानते हो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, सबको मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है. ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट रियल एस्टेट का एक बहुत इंटरेस्टिंग फंडा, जहां हम कहते हैं कि तुम हमें यह जमीन दे दो, बदले में पैसे नहीं देंगे. गवर्नमेंट कहती है कि इसके बदले में तुम जहां अभी 1000 square feet के प्लॉट पर 2000 का कंस्ट्रक्शन करते थे, अब 4000 का कर लेना, राइट. हम आपका मैन्यू जो कंस्ट्रक्शन का रेशियो है वो बढ़ा देंगे,
टीडीआर कहते हैं, पर वो अब आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन का वो होता है डेवलपमेंट राइट, और चूंकि वो ट्रांसफरेबल होता है आप किसी को भी बेच भी सकते हो, तो उसे कहते हैं टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। तो रियल एस्टेट का काम अगर वो फॉरेन एंटिटी करती है, यू कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन दैट एंटिटी, बट क्या क्या परमिटेड है, बट इट डज नॉट इंक्लूड, मतलब यहाँ वाला काम अगर वो एंटिटी कर रही है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्या, डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड्स और ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट, या बैंकिंग बिजनेस। तो फॉरेन एंटिटी जो रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है या बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसमें तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, और करना है तो प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किसकी, आरबीआई की। पॉइंट नंबर टू, ये बहुत लॉजिकल चीज है कि अगर आप फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली मुद्दा है ही इसीलिए क्योंकि तो आप रुपीज सरेंडर करते हो, बदले में हमारी गवर्नमेंट से या हमारे रेगुलेटर से बदले में फॉरेन करेंसी लेते हो, और फिर ये फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट आप इंडिया के बाहर कर रहे हो, तो हमारी तो फॉरेन करेंसी का कहीं ना कहीं रिजर्व कम हो रहा है, पूरे प्रोविजंस, ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोविजंस तो इसी वजह से हैं कि आप फॉरेन करेंसी ड्रॉ कर रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व कर रहे हो तो ऐसा कोई भी वहां से फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता है जो रुपीज डिनोमिनेटेड हो। अब इसमें एग्जैक्टली रुपी डिनोमिनेटेड बात नहीं लिखी हुई, लिखा हुआ यह है कि रुपी लिंक्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप उन्हें ऑफर नहीं कर सकते, ये मतलब क्या, हमारी तरफ से तो फॉरेन करेंसी चली गई और आप रुपी लिंक्ड प्रोडक्ट इश्यू कर रहे हो, नहीं ये नहीं हो सकता, और अगर करना है तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज एंटिटी विच इज हैविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय इंडियन पार्टी शैल नॉट ऑफर एनी रुपी लिंक्ड प्रोडक्ट विदाउट स्पेसिफिक अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब डिटेल में पढ़ते हैं ऑटोमेटिक रूट। यहाँ बहुत सारी चीजें लैंग्वेज में परेशान करती हैं आपको, तो मैंने पढ़ाते टाइम भी आपको मैं बताता हूँ कि लैंग्वेज आप सेलेक्टेड रख लें, यहाँ जो रेगुलेशंस के नंबर डेट हैं इनको तो इग्नोर करें, आप जैसे फर्स्ट लाइन में आपको केवल ये पढ़ना है, यहां से पढ़ना स्टार्ट करें, इंडियन पार्टी हैज बीन परमिटेड टू अंडरटेक फाइनेंशियल कमिटमेंट इन जेवी और डब्ल्यूएस एज पर द सीलिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो व्हाट यू शुड कीप इन योर माइंड कि एक इंडियन पार्टी जो ऑटोमेटिक रूट में फॉल होना चाहती है और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसकी एक फाइनेंशियल, उसकी एक लिमिट है, मॉनेटरी लिमिट है। एंड व्हाट इज दैट लिमिट, लिमिट कहती है आज की डेट में जो करंट लिमिट है दैट इज $1 बिलियन और 4 times ऑफ योर नेटवर्थ, 400% ऑफ योर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग नेटवर्थ, विच एवर इज लोअर। तो ऐसा का लिखा है लोअर, बस आप याद रख लें विच एवर इज लोअर, क्योंकि आगे आप जानते हो कि दोनों चीजें फॉलो करनी है एक साथ, तो मैक्सिमम $1 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट और 400% ऑफ योर नेटवर्क, ठीक है। अगर $1 बिलियन से कम है लेकिन 4 times से ज्यादा है ऑटोमेटिक रूट नहीं रहेगा, अगर 4 times की विदिन है लेकिन $1 बिलियन से ज्यादा है तो भी ऑटोमेटिक रूट नहीं बचेगा, फिर वो अप्रूवल रूट में कवर होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, ऑटोमेटिक रूट की बात चल रही है सब, जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जेवी या डब्ल्यूओएस में, ठीक है, तो इंडियन पार्टी को अप्रोच करना पड़ेगा एक बैंक को दैट इज ऑथोराइज डीलर एडी कैटेगरी 1 बैंक, ठीक है, और ऑब्वियस है आपको उसके लिए फॉर्म फाइल करना पड़ेगा एक ODI, नाम से ही क्लियर है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ODI फॉर्म वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर डायरेक्शन में भी जब हम डिटेल में भी चलेंगे तो ODI फॉर्म के ही बहुत सारे एनेक्सर्स की बातें की जाएंगी। तो आपको देखो जो RBI को आप केवल आपको इंटीमेट करना है, रिपोर्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, तो ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक जिसके थ्रू आपके पूरे ट्रांजेक्शन होंगे, ये भी वन ऑफ द कंडीशन, सारे ट्रांजेक्शन इसी बैंक के थ्रू होंगे फिर आपके विद रिस्पेक्ट टू दैट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, तो आपको ODI फॉर्म भी इसी के थ्रू फाइल करना है, अप्रोच भी इसी के थ्रू करना है। पॉइंट नंबर थ्री, इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक फाइनेंशियल कमिटमेंट इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, बस यही तो परेशान करती है। अब आप यहाँ डिटेल में ना जाए तो 1 by 1 पढ़ते हैं, इंडियन पार्टी लोन और गारंटी केवल उसी ओवरसीज जेवी या डब्ल्यूएस को दे सकती है जिसमें उसका इक्विटी पार्टिसिपेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, आप किसी भी ऐसी बाहर के फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं बना सकते जो लोन या गारंटी से रिलेटेड, तो आप उनके लिए लोन गारंटी मत दो, लेकिन अगर आपका वहां इक्विटी पार्टिसिपेशन है तो नहीं तो ही कर सकते हो, विदाउट इक्विटी पार्टिसिपेशन इंडियन पार्टी लोन गारंटी नहीं दे सकती, उन्हीं को दे सकती है लोन गारंटी जिसमें उनका इक्विटी पार्टिसिपेशन, लेकिन अगर आपका इक्विटी पार्टिसिपेशन नहीं है
फिर भी आप JVWS को या किसी भी चीज तरीके से उनको लोन गारंटी देना चाहते हो तो ये स्पेसिफिकली अप्रूवल रूट में कवर होगा। ओवर 80 बैंक के थ्रू ही आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी, ठीक है। अब इसमें गारंटी की कंडीशंस भी लिखती हैं इन्होंने। अब गारंटी की कंडीशंस थोड़ी सी आपको टफ लगेंगी, मैं बेसिक बेसिक कंडीशंस बता देता हूँ। कंडीशन नंबर वन, फाइनेंशियल कमिटमेंट ओवरऑल सीलिंग लिमिट में काउंट होंगे, सारे फाइनेंशियल कमिटमेंट, ये वो लिमिट जो हमने अभी पढ़ी उसमें काउंट होंगे। पॉइंट नंबर टू, गारंटी ओपन एंडेड नहीं हो सकती, गारंटी की सारी चीजें लिमिटेड होंगी, फाइनल होंगी, कितने टाइम के लिए, कितने अमाउंट के लिए, नो नथिंग शुड बी ओपन एंडेड। पॉइंट नंबर थ्री, अगर गारंटी इन्वोक की जाती है, ठीक है, और उस इन्वोकेशन की वजह से आपकी सीलिंग बढ़ रही है, जो लिमिट है, क्योंकि सारे फाइनेंशियल कमिटमेंट सीलिंग में काउंट होंगे, और अगर किसी इन्वोकेशन की वजह से सीलिंग ब्रीच हो रही है तो आपको आरबीआई की परमिशन देनी पड़ेगी, ठीक है। और ज्यादा आगे पॉइंट नंबर फोर में बात कर रहे हैं, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लेटर ऑफ क्रेडिट भी एक तरह से आप, चूंकि आप लोगों ने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी हुई है चीजें, फाइनल में पढ़ते हो, तो लेटर ऑफ क्रेडिट भी एक तरह से आप मान लें, एक तरह से कमिटमेंट है बैंक का कि अगर आप हमारे बंदे से आपने माल खरीदा या बेचा और वो पैसे नहीं देगा तो हम देंगे, ये बैंक का फाइनेंशियल कमिटमेंट एक तरह से ऐसा मान लेते, इट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। सारी कॉर्पोरेट गारंटी, ऑल गारंटीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये और याद रख लें कि जो आप लोन गारंटी भी दे रहे हो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ODI फॉर्म के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर टू मतलब वही कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, लोन गारंटी आप विदाउट इक्विटी पार्टिसिपेशन ना दें, देना है तो रिजर्व बैंक की अप्रूवल। पॉइंट नंबर टू, वो बंदा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कॉशन लिस्ट में है, एक्सपोर्टर्स कॉशन लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर, बेसिक सी बात, अगर आपने बैंकों का पैसा नहीं चुका रखा यहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक्सपोर्टर्स कॉशन लिस्ट में हो, मतलब नो डाउट आपने पहले डिफॉल्ट किए हुए हैं, तो अभी आप ये फाइनेंशियल कमिटमेंट एटसेट्रा इस रूट के थ्रू तो एटलीस्ट नहीं कर सकते। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिस्ट, सिविल के रिकॉर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर थ्री, सारे ट्रांजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, फिर वो एक ही ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक के थ्रू होंगे, तो AD बैंक के थ्रू ही सारे ट्रांजेक्शन आपको रूट करने पड़ेंगे, वन ब्रांच ऑफ AD। पॉइंट नंबर फोर, अगर किसी कंपनी का आप एक्विजिशन कर रहे हो, मतलब ऑब्वियस है कि आपका इन्वेस्टमेंट पहला नहीं है, पहले इन्वेस्टमेंट थे और अब आप इन्वेस्टर से ये खरीद रहे हो, तो जब आप पार्शियल या पूरा एक्विजिशन कर रहे हो फॉरेन कंपनी का, जहां इन्वेस्टमेंट $5 मिलियन से ज्यादा है, बड़ा अमाउंट है ये भी, तो फिर आपको शेयर्स का वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा मर्चेंट बैंकर कैटेगरी वन मर्चेंट बैंकर, वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा शेयर्स का। ऑब्वियसली आप किसी इन्वेस्टर से शेयर खरीदोगे तो शेयर्स कितने रुपए पर खरीद रहे हो उसके पहले आपको वैल्यूएशन करवाना। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट है बाय वे ऑफ स्वैप ऑफ शेयर्स, स्वैप मतलब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो उसमें इक्विटी पार्टिसिपेशन के लिए, बदले में पैसा नहीं दे रहे, बदले में आपके ही शेयर्स दे रहे हो, स्वैप ऑफ शेयर्स, तो स्वैप ऑफ शेयर्स के केस में भले ही $5 मिलियन से कम अमाउंट है, विद इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द डील, आपको वैल्यूएशन मर्चेंट बैंकर से करवाना ही होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर ई हो गया। एफ, अगर कोई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म इन्वेस्टमेंट कर सकती है और अगर वहां का लॉ परमिट करता है या वहां का लॉ ही ऐसा है, तो फिर हो सकता है कि आपको पार्टनरशिप फर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट होल्ड करना पड़े पार्टनर्स के नाम पर, अलाउड है। अगर होस्ट कंट्री के रेगुलेशन में रिक्वायरमेंट यही है, तो फिर आप पार्टनरशिप फर्म से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लेकिन वो होल्डिंग होगी किसी पार्टनर के नाम पर। पॉइंट नंबर जी, कुछ एक्टिविटीज के नाम लिखे हुए, इंडियन पार्टी में अक्वायर शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी इंगेज इन बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी, है ना, तो आप ऐसा काम कर सकते हो, इंडियन पार्टी अक्वायर कर सकती है शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी जो किसी बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है इन एक्सचेंज ऑफ ADR GDR, ठीक है। तो मतलब देखो, दो तरह से पैसा आता है ADR GDR के केस में, या तो मतलब ADR GDR के थ्रू दो तरह से डील हो सकती है जो आगे भी मैं बताऊंगा, ये मेथड ऑफ फंडिंग में वो कवर भी होगा, कि या तो आपने आपको फॉरेन एंटिटी के शेयर खरीदने के लिए फॉरेन एंटिटी को पैसा देना है, तो एक तरीका है कि आप ADR GDR इशू करें इन्वेस्टर्स को, पैसा लाएं और कंपनी को दे दें, या आप बदले, या दूसरा तरीका है कि आप कंपनी को स्वैप ऑफ शेयर्स जैसे करते हो ना वैसे करो, उनसे शेयर्स लो बदले में आपके ADR GDR दे दूं। तो अगर ऐसा है, ये किया जा सकता है, अगर वो बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो इंडियन पार्टी उसको कर सकती है थ्रू एक्सचेंज ऑफ ADR GDR, ठीक है, कोई ADR GDR वाली स्कीम के अकॉर्डिंग। ADR GDR लिस्टेड होने चाहिए बस, ADR GDR के बैक में क्या होना चाहिए, शेयर्स, ऑब्वियस है, मतलब ADR GDR शेयर्स के अगेंस्ट में इशू किए गए हो, आप जानते हो शेयर्स के अगेंस्ट में इशू होते, और
फिर उसके बाद एक बात बताना, ध्यान से सुनना, एक प्रॉब्लम है बस, कि आप एडीआर जीडीआर इन्वेस्टर्स को इशू करने की जगह कंपनियों कर रहे हो कि तुम्हारे शेयर हमें तो बदले में हमारे एडीआर जीडीआर ले लो, स्वैप ऑफ शेयर्स, बट उनके शेयर आपके एडीआर जीडीआर। तो बेटा ये जितने भी एडीआर जीडीआर आपने फॉरेन एंटिटी को इशू किए, ये तो एफडीआई में काउंट होगा ना। तो फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एफडीआई एक लिमिट से ज्यादा ना हो जाए, जो आपकी सेक्टर की कैप है, सेक्टरल कैप। हर सेक्टर के अलग अलग कैप है, कहाँ कहाँ कितना एफडीआई अलाउड है। तो व्हाट यू नीड टू रिमाइंड कि भैया वो एफडीआई से ज्यादा ना हो जाए हमारा एडीआर जीडीआर का इशू। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन, 5 मार्क का अपने आप में एक क्वेश्चन, कि कहाँ कहाँ से पैसा लाया जा सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। पहला तरीका है कि आपके फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट में पैसे पड़े होंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ कर लो, विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एडी बैंक। कह सकते हो इसे कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, आपने एक्सपोर्ट किया उसका पैसा है, उसी को यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, कैपिटलाइजेशन एक्सपोर्ट हो गया, कैपिटलाइजेशन एक्सपोर्ट। तीसरा तरीका, स्वैप ऑफ शेयर्स, हमने पढ़ा ही, उनके शेयर्स ले रहे हो बदले में अपने शेयर्स इशू कर दो। चौथा तरीका क्या है, ईसीबी का पैसा लाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते, या एफसीसीबी एफसीबी का पैसा लाकर इशू कर सकते, जानते हो आप फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। पांचवा तरीका, एडीआर जीडीआर से एक्सचेंज कर लो, जो मैंने अभी अभी ही बताया। और फिर छठा तरीका क्या होगा, सातवां पढ़ेंगे इसके लिए, पहले फॉरेन करेंसी आए एडीआर जीडीआर इशू करके और फिर आप पैसा दे दो। कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर पॉइंट फिफ्थ और सेवन्थ दोनों में एडीआर जीडीआर है, बट आई होप अब डिफरेंस समझ में आया होगा। पॉइंट फाइव है कि उनके शेयर्स ले रहे हो बदले में अपने जेडीआर जीडीआर दे रहे हो। पॉइंट सेवन है उनके शेयर्स ले रहे हो बदले में उन्हें पैसे चाहिए, आप पैसे कहाँ से ला रहे हो, फॉरेन के इन्वेस्टर को एडीआर जीडीआर इशू करके पैसा ला रहे हो। पॉइंट नंबर सिक्स, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो हो सकता है आपका ईईएफसी अकाउंट में आप पैसा रखते हैं, एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर्स सॉरी एक्सचेंज अर्नर्स, है ना, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उन्हें बदले में फॉरेन एक्सचेंज मिलती है, तो एक्सचेंज अर्नर। अब ये क्या है, इंडियन रेसिडेंट पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को सिक्योरिटीज खरीदने का परमिशन है, एक्विजिशन या परचेस ऑफ सिक्योरिटीज इन द फॉलोइंग में, जनरल परमिशन। अगर एक इंडिया का रेसिडेंट फॉरेन के एंटिटी में शेयर्स खरीद रहा है, ये भी तो फाइनेंशियल कमिटमेंट में काउंट हो रहा है एक तरह से, जनरल परमिशन ग्रांटेड है। कब, पॉइंट नंबर वन, आप आरएफसी अकाउंट से पैसा यूज कर रहे हैं, रेसिडेंट का फॉरेन करेंसी वाला का, उसका पैसा यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर टू, या आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है बदले में वहां से बोनस मिल रहे हैं तो ले लो ना बोनस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जनरल परमिशन। पॉइंट नंबर थ्री, अगर ये परमानेंट इंडिया का रेसिडेंट नहीं है तो फिर इसके पास वो एक अकाउंट होगा फॉरेन करेंसी रिसोर्स आउटसाइड इंडिया, है ना, मतलब ऑब्वियस इसके पास पैसा होगा, फिर फॉरेन करेंसी के रिसोर्सेज होंगे इसके पास, एक अकाउंट तो क्या, इसके पास ही फॉरेन करेंसी कमाने के रिसोर्सेज होंगे अगर इंडिया का परमानेंट लोकलाइज नहीं है, तो उसका पैसा भी यूज करो आप। हमसे लोगे तो जनरल परमिशन नहीं है, बट आप आरएफसी अकाउंट से अपने ही कर फॉरेन करेंसी के रिसोर्सेज से या बोनस इशू हो रहा है, इसके लिए जनरल परमिशन। ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक सेपरेट क्वेश्चन। नाउ इन्वेस्टमेंट नॉट अंडर ऑटोमेटिक रूट, और जिसके लिए आपको चाहिए होगी आरबीआई की अप्रूवल, ये फिर अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन है, कहां कहां आरबीआई की अप्रूवल रिक्वायर्ड। पहले तो बता रहे अप्रूवल के लिए क्या करना होगा। पॉइंट नंबर वन, आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेने के लिए आपको वही अपनी बैंक ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन के थ्रू जाना पड़ेगा, ओडीआई फॉर्म भरना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। वो आपकी आप दोगे आपके बैंकर को, वो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा आरबीआई को, ठीक है। अगर प्रपोजल अप्रूव हुआ तो एडी बैंक आपको पैसे देगी, मतलब रेमिटेंस देगी ना, फिर आप बदले में इन्हें पैसा दो, फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करके दे देंगे। इट मींस आपको क्या समझ में आया कि इफ इट इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ इफ इट अंडर द परव्यू ऑफ अप्रूवल रूट, तो आपको पैसे नहीं मिल सकते। पहले आप आरबीआई की अप्रूवल ग्रांट करो, उसके बाद अप्रूवल के बेसिस पर आपको करेंसी कन्वर्ट होकर मिलेगी। अब कुछ एग्जाम्पल, कुछ लिस्ट दी हुई है जहां कहा है कि इन प्रपोजल के केस में अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, इसको भी आसान लैंग्वेज में याद रखें। पॉइंट नंबर वन, ये तो स्पेसिफिक सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ द नेटवर्थ ऑफ इंडियन कंपनी, मतलब अगर आप मतलब नॉर्मली एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर में पैसा लगाने के लिए अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन अगर आपकी नेटवर्थ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, कोई 4 टाइम तक कर सकते हैं ना, लेकिन अगर वो नेचुरल या रिसोर्सेज या एनर्जी से रिलेटेड सेक्टर है तो नेटवर्थ से ज्यादा भी कर रहे हो 1 रुपया ज्यादा भी, तो पहले अप्रूवल रिक्वायर्ड। नंबर टू,
ओवरसीज की अनइनकॉर्पोरेट एंटिटीज में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कौन से सेक्टर में? ऑयल सेक्टर में, बाय रेसिडेंट कॉर्पोरेट, वो भी कितनी? अपनी नेटवर्थ से ज्यादा, तो भी आपको परमिशन रिक्वायर्ड। पॉइंट नंबर थ्री, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, तो आपने पढ़ी लिया कि ऑटोमेटिक रूट है, मतलब अगर सीधी सी बात है वो जो एलिजिबल पर्सन थे उनके अलावा भी कोई और अप्लाई कर रहा है, एक तो इंडिविजुअल और दूसरा हुआ अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप, बिना अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। पॉइंट नंबर फोर, बचे हुए नाम, ट्रस्ट, सोसाइटीज इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन या हॉस्पिटल सेक्टर में, और उसी सेक्टर में वहां फॉरेन में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड। कॉर्पोरेट गारंटी अगर दे रहे हो, अप्रूवल रिक्वायर्ड। सर आपने तो ही मना किया था, वो तब मना किया था कि अगर कॉर्पोरेट गारंटी, लोन गारंटी आप दे रहे हो उसे, इक्विटी पार्टिसिपेशन है तो ऑटोमेटिक रूट में, अगर इक्विटी पार्टिसिपेशन के बिना दे रहे हो आरबीआई के परमिशन के थ्रू जाना। लेकिन यहाँ क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं कि कॉर्पोरेट गारंटी बाय द इंडियन पार्टी टू सेकंड एंड सब्सिक्वेंट लेवल ऑफ स्टेप डाउन सब्सिडरी, आपकी सब्सिडरी के लिए गारंटी नहीं दे रहे हो, उसकी भी सब सब्सिडरी, उसे कहते हैं एसडीए, स्टेप डाउन सब्सिडरी, उसको गारंटी दे रहे हो, अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, अगर बैलेंस शीट की रिस्ट्रक्चरिंग है, आपने पैसे दिए थे, वो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, राइट ऑफ हो रहा है पैसा आपका, अप्रूवल रिक्वायर्ड है। एक्सपोर्ट्स का कैपिटलाइजेशन, सर ये तो आपने बोला था कि ऑटोमेटिक रूट में भी पैसा, ये तो आपने फंडिंग का मेथड बताया था कि एक्सपोर्ट का कैपिटलाइज, लेकिन अगर एक्सपोर्ट का कैपिटलाइजेशन एक लिमिट, एक टाइम के बाद और एक टाइम तक एक्सपोर्ट का यूटिलाइजेशन इज अंडर नॉर्मल रूट, अगर प्रिस्क्राइब पीरियड और रियलाइजेशन के बियॉन्ड जाकर तुम कैपिटलाइजेशन एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट करने के लिए कि एक्सपोर्ट का पैसा इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो एक प्रिस्क्राइब टाइम तक क्लियर है, लेकिन उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कैपिटलाइजेशन करके, तो फिर आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। पॉइंट नंबर नाइन हो चुका, विदाउट इक्विटी पार्टिसिपेशन फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहे हो लोन गारंटी, तो अप्रूवल रिक्वायर्ड, जानते हो। अब आप बताओ अप्लाई करोगे आपकी बैंक के थ्रू ओडीआई फॉर्म भर के, कौन कौन से फैक्टर्स देखेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? पहला फैक्टर, क्या आपकी वायबिलिटी है क्या इस चीज, तो प्राइमा फेसी वायबिलिटी ऑफ योर जेवी और डब्ल्यूएस। पॉइंट नंबर टू, आपको इन्वेस्ट, आपको परमिशन दे देने से क्या भला होगा इंडिया का, देश का, एक्सटर्नल ट्रेड को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या अदर बेनिफिट्स अराइज होंगे इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। पॉइंट नंबर थ्री, इंडियन पार्टी का देखा जाएगा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड या बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड। चौथा, इंडियन पार्टी का इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज है, तभी तो इन्वेस्टमेंट करो वहां जाके, तभी तो तुमको फॉरेन करेंसी ले जाने की परमिशन देंगे कन्वर्ट करके। ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं ना, एफडीआई की पॉलिसी, और उसमें आ गया मास्टर डायरेक्शन, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओडीआई, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन जेवीडब्ल्यूएस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एन इंपॉर्टेंट एवेन्यू फॉर प्रमोटिंग ग्लोबल बिजनेस बाय इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटी क्या क्या है, इसमें काम की फॉर्मेलिटी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। पहला है फॉर्म ओडीआई, एक इंडियन पार्टी और रेसिडेंट इंडिविजुअल जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसे ओडीआई फॉर्म भर के देना पड़ेगा आरबीआई को। ओडीआई फॉर्म में क्या क्या पूछते हैं, पार्ट वन में तो बेसिक डिटेल पूछते हैं, इन्वेस्टिंग पार्टी आईपी या आरआई, रेसिडेंट इंडिविजुअल, इनकी डिटेल्स, जेवीडब्ल्यूएस का कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रांजेक्शन की डिटेल, क्या क्या करोगे, आईपीआरआई का डिक्लेरेशन, जो जो भी हमें डिक्लेरेशन चाहिए सर, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आपके ऑडिटर का सर्टिफिकेट। बट अगर ये आईपी नहीं है, आरआई है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, तो ऑडिटर का सर्टिफिकेट नहीं, सेल्फ सर्टिफिकेशन से काम चल जाएगा कि हमने सारे कंप्लायंस कर लिए, सब चीजें देख ली। पार्ट टू, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, बात की बात है, अभी तो आते हैं पार्ट थ्री। जब डिसइन्वेस्टमेंट करोगे तब भी रिपोर्टिंग करनी है, या तो तुम्हारा ही वाइंडिंग अप हो जाए या उनका हो जाए, दोनों केस में मैटर तो खत्म होगा। मतलब पॉइंट नंबर थ्री पढ़ो, क्लोजर, वॉलंटरी लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, मर्जर, अमलगमेशन ऑफ आईपी, आपकी एंटिटी खत्म हो जाए तब भी रिपोर्टिंग करना, एंटिटी नहीं बची तो इन्वेस्टमेंट कैसे बचे, या जहां इन्वेस्टमेंट किया वो एंटिटी खत्म हो जाए। पॉइंट नंबर एट, क्लोजर, वॉलंटरी लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, मर्जर, अमलगमेशन ऑफ ओवरसीज जेवीडब्ल्यूएस। तीसरा, आप शेयर बेच दो ये वाले, तो जेवी जेवी या डब्ल्यूएस में शेयर्स खरीदे, बेच दो, बाहर निकल जाओ, डिसइन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग करनी है। और चौथा, बायबैक ऑफ शेयर्स, वो जेवीडब्ल्यूएस बायबैक कर ले शेयर्स को, ये सब डिसइन्वेस्टमेंट के टाइप है, आपको इस चीज में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो जब इन्वेस्टमेंट करोगे तब ओडीआई, और पार्ट
टू कहता है हर साल एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी है। ओडीआई तो क्या है यार, पार्ट वन तो कब भरना होता है, जब कह रहे हो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब, या तो ऑटोमेटिक रूट होगा तो बताओगे, अप्रूवल होगा तो पूछोगे। पार्ट टू एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या क्या हुआ, पार्ट थ्री वही कि डिस इन्वेस्टमेंट के वक्त, ठीक है आगे। हर साल आपको एफएलए फाइल करना है, बहुत पॉपुलर चीज है, फाइनेंशियल सॉरी फॉरेन लाइबिलिटीज एंड असेट्स, सॉरी फॉरेन लाइबिलिटीज एंड असेट्स, एफएलए बहुत पॉपुलर फॉर्म है। ये एनुअल रिटर्न है, सारी इंडियन कंपनी जिसने एफडीआई किया होगा इंडिया के बाहर वो सब यहाँ एफएलए सबमिट करेंगे आरबीआई। कब करना है, हर साल 15 जुलाई को। पॉइंट नंबर फोर, एक नया रिपोर्टिंग फॉर्मेट आया है वीसीएफ और एआईएफ के लिए। कोई म्यूचुअल फंड एआईएफ वीसीएफ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा इंडिया के बाहर उनके लिए फॉर्मेट अलग है, तो हम छोड़ ही नहीं चलेगा। अब आप आ जाए पॉइंट नंबर फिफ्थ पर, ईसॉप हुए थे, इंडियन एम्प्लॉई इंडियन डायरेक्टर को फॉरेन कंपनी में ईसॉप मिले थे तो उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है, इंडियन कंपनी को रिपोर्टिंग करनी है एडी बैंक को। और जब वो कंपनी ने वापस रिपर्चेस कर ली, देखो इंडियन पार्टी है उसके एम्प्लॉयज को फॉरेन फॉरेन की कंपनी से ईसॉप मिल रहे हैं, है ना, तो सब्सिडरी से ईसॉप मिल रहे हैं यहाँ के लोगों को, तो आपको रिपोर्टिंग करना है कि इनको ऐसे ऐसे ईसॉप मिले, और जब वो बायबैक भी होना है तब भी रिपोर्टिंग करना, ठीक है। पॉइंट नंबर सिक्स, आपने ओडीआई फॉर्म भरा और जब भी वो डिटेल्स में कोई चेंजेस आए तो आपको तत्काल फोर्थविथ आपको वो डिटेल्स रिसबमिट भी करना। लास्ट, अगर आरआई कर रहा है ये काम, आईपी नहीं, इन्वेस्टिंग पार्टी नहीं है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, नॉन इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल बंदा है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, तो अगर इसके अलावा कोई और होते कंपनी फॉर्म एक्सेट्रा तो उन्हें तो सर्टिफिकेट लगवाना होता ऑडिटर का, सीए का, लेकिन अगर ये आरआई है तो सेल्फ सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये छोटा सा मुद्दा भी खत्म हो गया रिपोर्टिंग वाला मुद्दा। अब लास्ट टॉपिक, इंडिया के बाहर लोकेशन चूज करने में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। पहला फैक्टर जियोग्राफिकल लोकेशन, क्यों देखते हैं इसे कि जहां हम बिजनेस कर, जहां हम सेटअप करना चाहते हैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या वहां हमें फैसिलिटीज मिल, एक्सेस कैसा है, क्या वहां तक गुड्स पहुंचाया जा सकता है, क्या वहां ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या वहां एम्प्लॉय मिल पाएंगे अच्छे पर्सनल, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेस। तीसरा, सप्लाई चेन से रिलेवेंस, रॉ मटेरियल की सोर्सिंग कैसे होगी, प्रोसेसिंग हो पाएगी क्या वहाँ, क्या वहाँ से डिस्पैच हो पाएंगी चीज़ें, तो सप्लाई चेन मैनेज हो पाएगी क्या उस लोकेशन। पॉइंट नंबर फोर, क्या वहाँ पर एम्प्लॉय मिल पाएंगे, ऐसे टैलेंट पूल मिल पाएंगे, लेबर सर्विस मैनेजमेंट एटसेट्रा, तो ये देखना होता है पहले कि जिस कंट्री में जा रहे हैं बिजनेस सेटअप करने के लिए वहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन के रेस्पेक्ट में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कितनी फैसिलिटीज पर हमें एक्सेस कर पाएंगे, सप्लाई चेन मैनेज हो पाएगी क्या, और अवेलेबिलिटी क्या है वहाँ पर लोगों की। नेक्स्ट, इकोनॉमिक आस्पेक्ट, बिजनेस करना कितना आसान है वहाँ, वहां बिजनेस करना कितना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस में एंटर करना, बिजनेस को स्टेब्लिश करना, चलाना, बंद करना कितना आसान और कितना टफ, क्योंकि तो बहुत टफ है तो आप वहां नहीं जाओगे। यही कारण था कि 6-7 साल पहले तक इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत कम आते थे, क्यों बढ़े पिछले 5 सालों से, क्योंकि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी रिफॉर्म किए, ठीक है। तभी तो 130 नंबर हुआ करता था, आउट ऑफ 190 कंट्री हमारा 131 नंबर हुआ करता था कुछ समय पहले तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में, 130वें नंबर पे थे, 129 देश आगे थे जहां बिजनेस करना हमसे आसान है, लेकिन अब हम 66 नंबर पर आ गए, हाफ जर्नी हमने कवर कर ली है इन पिछले 5 सालों। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, वहां बिजनेस करना कितना आसान, चलाना मैनेज करना कितना आसान, कितने रेगुलेशंस, कितने प्रोविजंस। दूसरा, वहां बिजनेस करने की कॉस्टिंग कितनी, और उससे फिर कंपेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना मिलेगा। तीसरा, लेबर लॉ कितने हैं वहां, कितने टफ, इंडिया में बहुत टफ है, टैक्सेशन कितना है, ये सब इकोनॉमिक एस्पेक्ट। नाउ नेक्स्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, हमारे इस कंट्री के साथ हमारी कंट्री के रिलेशन कैसे हैं, पाकिस्तान में आप मत जाने इन्वेस्टमेंट करने, दे विल नेवर सपोर्ट यू, क्योंकि हमारी कंट्री के रिलेशन ही अच्छे नहीं है, कितने पुराने रिश्ते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग एंड एस्टेब्लिश्ड लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट विद कंपनी गोइंग थ्रू रेगुलेटरी रिसोर्सेज रिकॉर्ड्स, तो कितने रिश्ते हमारे कितने टाइम से हैं, और कितने हमारे और उन कंट्री के बीच में आपस में जो होती है ट्रीटीज हैं बिजनेस को, एक दूसरे के बिजनेस को हेल्प करने के लिए। उन कंट्री का अपनी फ्रेंड कंट्री के साथ, जैसे आपकी कोई फ्रेंड कंट्री नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल, या आपकी कोई नेबर कंट्री नहीं है, फॉर एग्जांपल आप यूरोप के किसी कंट्री में जा रहे हो, तो फिर आप नहीं देख पाओगे ना, आपका नेबर तो है नहीं, तो फिर ये देखो उसके उसके नेबर के साथ कैसे रिलेशन है, वहाँ शांति तो नहीं, अदरवाइज आप नहीं जाओगे। पाकिस्तान क्यों नहीं जाती फॉरेन एंटिटी,
नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट इज पॉलिटिकल, खत्म हुआ। सोशल एस्पेक्ट, वहां ट्रेड एसोसिएशन कितने हैं, एम्प्लॉय एसोसिएशन, एम्प्लॉय यूनियंस का मैटर क्या है, दोनों नेशंस के आप बीच में आपस में कमर्शियल एंटिटीज का कितना इंटरेक्शन है, क्या हम सोशल हैं उन लोगों के साथ, कितने हमारे नेचर मिलते हैं, कितने हमारे कल्चर्स मिलते हैं, ठीक है। और एक्सपैट्रिएट फ्रेंडलीनेस ऑफ द नेशन फॉर रिलोकेटिंग की एम्प्लॉय पर्सनल, अगर हमको रिलोकेट करने हमारे केएमपीज को तो कितना वहां से सपोर्ट मिलता है, कितनी आसानी से वो रिलोकेट कर पाते हैं, ऐसा ना हो वहां हमारे केएमपीओ जिन्हें वो लोकेट ही ना कर पाए, यहाँ के एम्प्लॉयज को वहां लोकेट ही ना कर पाए। सोशल एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आसान भी लगता है इसीलिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन कितना है वहां, क्या लॉ है वहां इससे रिलेटेड, है तो क्या वो एक्चुअल में इफेक्टिव है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट्स रिलेटेड लॉ कैसे, यही तो टेक्निकल एस्पेक्ट। पावर कम्युनिकेशन और टेलीकॉम की अवेलेबिलिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, कॉस्टिंग कितनी है, ठीक है काम यही ना, पावर अवेलेबल नहीं होगी तो कैसे जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, कम्युनिकेशन का चैनल कितना स्ट्रांग है, टेलीकॉम कितना अवेलेबिलिटी है, क्या क्वालिटी है, क्या कॉस्टिंग है, ये सारे फैक्टर हम कंसिडर करते हैं किसी कंट्री को चूज करने के। जियोग्राफिकल में देखना चाहते हैं उसकी जियोग्राफिकल क्वालिटी कैसी है, कितनी अच्छी जगह पर वो कंट्री अवेलेबल है, सिचुएटेड है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देखते हैं कि कितना आसान है वहाँ बिजनेस करना और कितना कॉस्टिंग लगेगा बिजनेस करने में। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखते हैं हमारे उनके साथ रिश्ते कैसे, उनके अपने नेबर्स के साथ में रिश्ते कैसे। सोशल एस्पेक्ट में देखते हैं कि वहाँ के एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉय यूनियन कैसे हैं, वहाँ की फ्रेंडलीनेस कितनी है फॉर रिलोकेटिंग के एमपी। और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में यही देखना है कि वहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को रेगुलेट करने के क्या प्रोविजन है, पावर कम्युनिकेशन टेलीकॉम की अवेलेबिलिटी, कॉस्टिंग और क्वालिटी कैसी है, ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत आसान, इसको हम नहीं बोल सकते फाइनल, ये भी खत्म। जितने क्वेश्चंस मैंने कवर किए वही मैं मानता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। कल मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। 2 दिनों से मेरा सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा था, सॉफ्टवेयर ऑपरेट नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट अपलोड द वीडियो। होपफुली कल भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, आज से रेगुलरली अपलोड वापस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। देखते रहना, पढ़ते रहना, कोई समस्या हो तो बिल्कुल पूछ लेना। थैंक यू सो मच।